Good afternoon everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today is your English class and we are going to read chapter 7. तो previous class जब आपकी थी तो हमने इस chapter के आधे part को पढ़ लिया था. आज हम उसके next story पढ़ेंगे, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि की. तो मैम ने आपको सुबुद्धि एंड कुबुद्धि टू फ्रेंड्स के बारे में बताया था जो बाहर अदर कंट्री में पैसे कमाने के लिए जाते हैं और जब उनके पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो वहाँ से वापस आ जाते हैं. और जब वो वहाँ से वापस आने लगते हैं जो तो कुबुद्धि क्या करता है, सारे पैसों को एक ट्री के होल में छुपा देता है. ठीक है, तो जब उसने उस पैसों को ट्री के होल में छुपा दिया तो कुछ दिन बाद जो कुबुद्धि था वो बहुत चालाक था. वो चाहता था कि वो सुबुद्धि का भी पैसा, कमाया हुआ पैसा खुद चुरा ले. तो इसलिए जो कुबुद्धि था उसने छुपाई हुई मनी को चुरा लिया. और फिर एक दिन वो सुबुद्धि के पास जाता है. द नेक्स्ट डे ही वेंट टू सुबुद्धि एंड सेड, फ्रेंड आई एम इन नीड ऑफ मनी, लेट्स गो टू द फॉरेस्ट एंड टू हैव सम मनी. अब जो नेक्स्ट डे वो सुबुद्धि के पास जाता है और कहता है कि मित्र मुझे पैसों की ज़रूरत है तो हम चलते हैं और कुछ पैसे वहाँ से ले आते हैं. दे वेंट टू द फॉरेस्ट एंड सर्च्ड फॉर द मनी बट हाउ कुड दे फाइंड इट. वो दोनों जंगल में गए और उन्होंने पैसों की को निकालने की कोशिश की, पैसों को खोजा, लेकिन वो उसे कैसे मिलते. सुबुद्धि और कुबुद्धि ने पैसों को खोजा. अब कुबुद्धि को तो पता था कि पैसे उन्होंने चुरा लिए, लेकिन सुबुद्धि को ये बात नहीं पता थी कि कुबुद्धि ने पैसे चुरा लिए हैं. तो उन्हें पैसे कैसे मिलते. कुबुद्धि प्रिटेंडेड टू बी एंग्री एंड सेड इन डाइजेस्ट, आह सुबुद्धि यू हैव रूइंड मी, ओह फ्रेंड व्हाई हैव यू डन सो. अब जो कुबुद्धि था वो खुद को नाराज़ दिखाकर कहने लगा, गुस्से से कहने लगा कि सुबुद्धि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, ओ मित्र तुमने ऐसा क्यों किया. अब जो कुबुद्धि था वो खुद को नाराज़ होने का ड्रामा करने लगा कि तुमने आखिर मेरे पैसे क्यों चुराए. देन इट्स नॉट मी बट यू हु इज़ इविल डूअर, आई विल गो एंड कंप्लेन टू द किंग दैट यू हैव चीटेड मी, सेड सुबुद्धि. तो सुबुद्धि उनसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं, तुम दुष्ट करता हो, मतलब जो बुरे कामों को करने वाले तुम हो. मैं राजा के पास जाऊंगा और उनसे शिकायत करूंगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है. सुबुद्धि ऐसा कहता है. दे वेंट टू द किंग एंड टोल्ड हिम द मैटर. वो दोनों ही किंग के पास जाते हैं, राजा के पास जाते हैं और उसे सारा मैटर बताते हैं. द किंग थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड माई मिनिस्टर कैन टॉक टू द बर्ड एनिमल्स एंड ट्रीज एज वेल, टुमारो आई विल सेंड हिम विद यू, ही विल टॉक टू द ट्री एंड फाइंड आउट वॉट द ट्रथ इज. अब जो राजा था वो कुछ क्षण के लिए सोचता है और फिर कहता है कि जो मेरा मिनिस्टर है, मेरा जो मंत्री है, वो पक्षियों और जानवरों से बात कर लेता है और वैसे ही वो पेड़ों से भी बात कर लेता है. तो मैं कल उसे तुम्हारे साथ भेज दूंगा, वो पेड़ से बातें कर लेगा और फिर तुम्हें बता देगा, तुम दोनों को ही बता देगा कि सत्य क्या है. नाउ कुबुद्धि वॉज पजल्ड, ही वेंट टू हिज फादर एंड टोल्ड हिम द होल मैटर. दे प्लान्ड सम अदर ट्रिक. अब जो कुबुद्धि था वो उसने चोरी की थी तो उसे ये बात सच लगी कि कहीं मिनिस्टर को सच में पेड़ों की बातें आती हुई या वो उसे पेड़ों से बात करना आता हुआ तो वो तो मेरे सच का पता लगा लेगा, मेरा झूठ उसे पता चल जाएगा कि मैंने ही चोरी की है. तो वो अपने पिताजी के पास जाता है और उन्हें सारा मैटर बताता है. तो वो एक अदर ट्रिक प्लान करते हैं. नेक्स्ट डे सुबुद्धि एंड कुबुद्धि रीच द फॉरेस्ट विद द मिनिस्टर. अब नेक्स्ट डे अगले दिन सुबुद्धि और कुबुद्धि जंगल में मिनिस्टर के साथ पहुंच जाते हैं. द मिनिस्टर विस्पर्ड इन द होल ऑफ द ट्री, ओ पायस ट्री रिवील हु इज थीफ, टुक अवे द मनी केप्ट इन यू. जो मिनिस्टर था वो वहाँ पर ट्री के पास जाता है और कहता है कि ओ पवित्र पेड़ बताओ कि कौन चोर है और मुझे वो मनी दे दो जो किसने आखिर तुम्हारे पास की मनी चुराई है, तुम वो मनी मुझे दे दो.
A sweet and strange voice came out of tree undoubtedly is Subuddhi who stole the money. एक बहुत ही मीठी सी और अजीब सी आवाज़ पेड़ किसे आती है कि कोई शक नहीं है कि सुबुद्धि ने ही पैसों को चुराया है. अब सब अचानक से सुनते हैं कि एक बहुत ही अजीब सी मीठी सी आवाज़ आ रही है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सुबुद्धि ने ही पैसों को चुराया है. इन द मीन टाइम द मिनिस्टर थ्रू सम बर्निंग ट्विंग्स ऑन द ड्राइड घास नियर द ट्री. अब जो मिनिस्टर था उसने पता है क्या किया, उसने कुछ जलती हुई चिंगारियों को ड्राइड ग्रास पे फेंक दिया ट्री के पास जहाँ पर. देन कुबुद्धिस फादर हु वॉज सिटिंग इन द हॉलो ऑफ द ट्री कम आउट स्क्रीमिंग इन पैनिक. तो जो कुबुद्धि के फादर थे जो कि पेड़ के पीछे बैठे हुए थे वो घबराहट में चिल्लाते हुए वहाँ से बाहर आ गए. जो आवाज़ थी वो किसने बोली थी, कुबुद्धि के फादर ने, क्योंकि कुबुद्धि को ऐसा लग रहा था कि कहीं सच में पेड़ ना बोलता हो, इसलिए वो अपने पिता को पहले ही वहाँ पर ले गया कि आप ऐसा कर देना. द मिनिस्टर टुक कुबुद्धि एंड हिज फादर टू द कोर्ट वेयर कुबुद्धि कन्फेस्ड दैट ही हैड स्टोलन द मनी. अब जो मिनिस्टर था वो कुबुद्धि और उसके पिता को कोर्ट में ले गया जहाँ पर कुबुद्धि ने खुद के अपराध को मान लिया और ये बताया कि उसने ही पैसे चुराए थे. द किंग ऑर्डर्ड कुबुद्धि टू गिव द होल स्टोलन मनी टू सुबुद्धि एंड गेव कुबुद्धि ए सिवियर पनिशमेंट. अब जो किंग थे वो उन्होंने ऑर्डर किया कि सारी जो चुराई हुए पैसे हैं वो सुबुद्धि को दे दो और जो कुबुद्धि है उसको एक गंभीर सजा दी गई.